सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को और साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। गाइस वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस 5000 की प्राइस पॉइंट पे जो किंग बना हुआ बैठा था जो कि रेडमी 5A था, बट यहां पर कंपटीशन के लिए टेनोर कंपनी ने टेनोर डी स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, तो क्यों ना दोनों फोन को कंपेयर करके देख लिया जाए दोनों फोन में आपको क्या डिफरेंस मिलता है, दोनों फोन की प्राइसिंग सिमिलर है तो आपको दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, तो सब चीज आपकी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ये फोन की प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की। तो गाइस दोनों ही मॉडल आपको 2GB 16GB वाला वेरिएंट आपको 5000 की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाएगा, बट गाइस जो 3GB वाला वेरिएंट है और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में जो आता है वो आपको रेडमी 5A का 7000 में मिलेगा, बट टेनोर डी का आपको 6000 में देखने को मिल जाएगा। अवेलेबिलिटी की बात करें तो गाइस जो टेनोर डी स्मार्टफोन है वो आपको 5 जनवरी से अमेजोन पर देखने को मिल जाएगा, और गाइस जो रेडमी 5A है वो आपको फ्लिपकार्ट और मी स्टोर पर देखने को मिल जाता है। फ्लैश सेल थर्सडे को हर थर्सडे को रहती है। गाइस चलिए दोनों को फोन का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बिल और डिज़ाइन की। तो गाइस दोनों फोन में आपको यूनिबॉडी टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, बट गाइस दोनों ही बॉडी प्लास्टिक की बनाई गई है, बट 5000 के हिसाब से दोनों फोन में आपको डिसेंट बिल्ड क्वालिटी लाइट वेट वाली देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के डिस्प्ले की। तो गाइस टेनोर डी में आपको थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पर आपको 5.2 इंच का 720p का IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 282 का PPI देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं Redmi 5A के डिस्प्ले की, तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज का 5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ये अगेन ये भी 720p का IPS पैनल और गाइस यहां पर आपको PPI 294 का देखने को मिल जाएगी। तो गाइस 5000 के हिसाब से आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, दोनों ही डिस्प्ले आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगा, अच्छे खासे PPI के साथ में आते हैं, तो 5000 के हिसाब से दोनों ही डिस्प्ले से आपको निराशा नहीं होगी। बात करते हैं यहां पर दोनों फोन के प्रोसेसर की। तो गाइस दोनों फोन का प्रोसेसर और GPU सेम है, तो दोनों का मैं आपको साथ ही मैं बता देता हूं। गाइस यहां पर आपको दोनों फोन में मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 425 का प्रोसेसर जो कि एक क्वाड कोर का प्रोसेसर है, 1.4GHz पे क्लॉक कराए गए। GPU की बात करें तो गाइस दोनों ही फोन में आपको Adreno का 308 का GPU देखने को मिल जाएगा। तो गाइस दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस, गेमिंग एक्सपीरियंस सभी चीज़ आपको सिमिलर टाइप की देखने को मिलेगी। दोनों ही फोन में आप हाई एंड गेम भी खेल सकते हो नॉर्मल टू मीडियम सेटिंग्स में, मीडियम टू लो सेटिंग्स में। हाई सेटिंग्स में थोड़ा बहुत आपको फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिलेगी, बट गाइस 5000 के फोन में आपको हाई एंड गेम चल जाए वही बड़ी बात है, और जो कि दोनों फोन में आपको चला सकते हो। तो गाइस 5000 में आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दोनों ही फोन में सिमिलर टाइप का देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही फोन के रैम और स्टोरेज की। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही फोन दो वेरिएंट में आते हैं, 2GB 16GB 3GB 32GB, बट गाइस दोनों ही फोन का मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है, यहाँ पर दोनों ही फोन में आपको डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। तो अच्छी बात है कि दोनों ही कंपनी ने हाइब्रिड स्लॉट नहीं दिए, दो सिम प्लस मेमोरी कार्ड दिए यहाँ पर हम सबको। बात करते हैं यहाँ पर ये फोन के कैमरास की। तो गाइस दोनों ही फोन में आपको सिमिलर टाइप का कैमरा भी देखने को मिल जाता है, बैक में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा LED फ्लैश के साथ में, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई LED फ्लैश वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों में से कैमरा कौन सा अच्छा रहने वाला है, तो गाइस 5000 का फोन है, डेफिनेटली आपको एसेट वगैरह की तरह तो इमेजेस वगैरह नहीं आएगी, बट गाइस डे लाइट में शॉट लेते हो तो दोनों में आपको अच्छी खासी इमेजेस वगैरह देखने को मिल जाएगी, बट गाइस लो लाइट में जैसे ही आप जाओगे तो दोनों कैमरा स्ट्रगल करते हैं। तो दोनों ही कंपेरेबल दोनों कैमरा है, मैंने दोनों का रिव्यूज वगैरह देख चुका गाइस, फ्रंट कैमरा भी कंपेरेबल है और बैक कैमरा भी कंपेरेबल है, तो 5000 की प्राइस पॉइंट पे आप कैमरे से भी सेटिस्फाई रहोगे दोनों ही फोन से। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के एंड्रॉइड वर्जन और UI की। तो गाइस आउट ऑफ द बॉक्स जो टेनोर डी स्मार्टफोन है वो आपको नुगट 7.1.2 के साथ में मिलेगा, प्लस यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं रेडमी 5A की। तो गाइस यहाँ पर अभी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है MIUI 9 और यहाँ भी आउट ऑफ द बॉक्स आपको नुगट 7.1.2 के साथ में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर दोनों में से कौन सा अच्छा UI है तो ये डिपेंड करता है गाइस, आपको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है तो आपको टेनोर डी में मजा आएगा, और गाइस अगर आपको MIUI पसंद है, कस्टमाइजेशन पसंद है, थीम्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर रेडमी 5A पसंद आने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के सेंसर्स की। गाइस यहाँ पर आपको दोनों फोन में सभी तरीके के बेसिक सेंसर देखने को मिल जाएंगे, बट गाइस यहाँ पर Xiaomi के फोन में आपको IR Blaster ज़्यादा देखने को मिलेगा और टेनोर डी में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा 5000 वाले मॉडल में भी। तो गाइस डिपेंड करता है आपके लिए IR Blaster मेन है या फिंगरप्रिंट सेंसर मेन है, उसके हिसाब से भी आप जाके परचेस कर सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं दोनों फोन के बैटरी लाइफ की। तो गाइस यहाँ पर आपको टेनोर डी में मिल जाएगी 3500 mAh की बैटरी और रेडमी 5A में आपको मिल जाएगी 3000 mAh की बैटरी। तो गाइस स्लाइटली आपको
10 और D में बेटर बैटरी बैकअप मिलेगा एज कम्पेयर टू Redmi 5A से। ऐसा नहीं है कि Redmi 5A की बैटरी खराब है, Redmi 5 की भी सपोज एक दिन चलती है नॉर्मल टू मॉडरेट यूज पे, तो 10 और की थोड़ा सवा दिन या डेढ़ दिन आप बोल सकते हो नॉर्मल टू मॉडरेट यूज पे चल जाएगी। तो गाइस ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। तो गाइस दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा और दोनों में से कौन सा अच्छा है या कौन सा खराब है, तो गाइस 5000 में आप दोनों ही फोन में आप दोनों हैप्पी रहोगे, दोनों ही फोन में आपको सभी चीज हर चीज मिल रही है गाइस। बट गाइस कौन सा फोन किन लोगों के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइस यहाँ पर आपको 10 और D किन लोगों के लिए, तो गाइस आपको स्लाइटली थोड़ा बड़ा डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, प्लस आपको फिंगरप्रिंट सेंसर आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी में आता है और आपको थोड़ी बैटरी बैकअप थोड़ा बेटर चाहिए, तो आप 10 और D स्मार्टफोन ले सकते हो। Redmi 5A आपको क्यों लेना चाहिए गाइस, तो यहाँ पर आपको आयर ब्लास्टर वगैरह आप ज़्यादा यूज़ करते हो, प्लस आपको MIUI की कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा पसंद है और गाइज आप MI के बहुत बड़े फ़ैन हो, तो डेफिनेटली आप Xiaomi Redmi 5A ले सकते हो। तो गाइज ये था दोनों फ़ोन का कंपैरिजन, दोनों ही फ़ोन में से आप कोई भी ले लो गाइज आपको निराशा नहीं होगी, और दोनों फ़ोन का बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके परचेस करते हो तो गाइज चैनल को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।